म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जानी मानी दिग्गज और एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ साथ ही एमफी की वाइस चेयरपर्सन राधिका गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत जो टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त यही है, इसराइल और हमास के बीच में जो बड़ा तनाव शुरू हुआ है उसको लेकर लोग थोड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन्वेस्टर्स ये जानना समझना चाहते हैं कि क्या किया जाए इस तरह की जियोपॉलिटिकल रिस्क जब भी हो। आपका अनुभव क्या कहता है, किस तरह से अपने आप को पोर्टफोलियो को हैंडल करना चाहिए? नमस्कार अनिल जी। इस तरह की जब जियोपॉलिटिकल रिस्क है, हमने यूक्रेन के टाइम भी देखी थी, तो पहले तो जब इसका अनाउंसमेंट होता है निवेशकों को जानना चाहिए कि एक सडन वॉलेटिलिटी बाजार में आती है, लेकिन किसी आम निवेशक के लिए इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जहां तक इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक बहुत, मैं डिप्लोमेट की भी बेटी हूँ, एक बहुत मल्टीलेटरल और मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट है। अभी इसका इम्प्लीकेशन ऑयल प्राइसेस पे क्या होगा फॉर इंस्टेंस, वो बढ़ सकते हैं। इसका इम्प्लीकेशन और देशों पे क्या होगा, सऊदी, ईरान, ये अभी आंसर्स मिलना मुश्किल है और इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो लोगों को तैयार रहना चाहिए थोड़ी सी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, कुछ दिन बाजार बहुत गिर सकता है, बढ़ सकता है, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। निवेशकों को फंडामेंटल्स पे ध्यान देना चाहिए कि वो जिन कंपनीज में निवेश करते हैं, जिन फंड्स में निवेश करते हैं, वो फंडामेंटली अच्छे हैं, क्या उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, क्या वहां अर्निंग्स रेजिलियंस है। और हम तो अपने पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो हम उन पे फोकस करते हैं। ये मैक्रो फैक्टर्स को प्रिडिक्ट करना एक आम निवेशक के लिए बहुत मुश्किल है। तो भारत के लिए क्या, किस तरह के खतरे हो सकते हैं हमारे इकोनॉमी के लिहाज से या फिर हमारे मार्केट के लिहाज से अगर सिचुएशन खराब होती है तो? देखिए, ग्लोबल मैक्रोस तो थोड़े से वैसे भी डिटीरियोरेट ही हुए हैं। अगर आप इजराइल की भी सिचुएशन निकाल दें तो यूएस में एक जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है, जहां यूएस रेट्स पहुंच गए हैं, यूरोप में जो स्ट्रेस है, वहां तो ऑलरेडी मैक्रो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। भारत का जहां तक वो है, हम देख रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट बढ़ता ही जा रहा है, करेक्शन आता है फिर बढ़ता है, क्योंकि भारत में जनरली एक अर्निंग्स रेजिलियंस है। अब स्ट्रेटेजिकली आई थिंक भारत हैज बीन वेरी क्लोजली अलाइंड टू इसराइल। हाल ही में हुए वे G20 में भी भारत ने एक मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर की बात की है, तो भारत के बहुत सारे लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इस रीजन में, और भारत तो चाहेगा कि इस रीजन में पीस रहे, तो आई थिंक इंडिया की इंटरेस्ट तो वही रहेगी। लेकिन जहां तक मार्केट की बात है, आई थिंक जो डोमेस्टिकली इंक्लाइंड कंपनीज हैं उनमें कम स्ट्रेस होगा, लेकिन जिन कंपनीज में वहां प्रेजेंस है, इसराइल में प्रेजेंस है, वहां आपको थोड़ा चैलेंज ज्यादा दिखेगा। ठीक बात है, तो जिनका सीधा सीधा इसराइल के साथ बिजनेस जुड़ा है वहां पर समस्याएं ज्यादा हैं। अब आइए थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स में इसराइल को हटकर भी आपसे एक बार आउटलुक ले लूं। अमेरिका में महंगाई नीचे आने का नाम नहीं ले रही, ब्याज दरें भी ऊपर बनी हुई है, कैसे संकेत ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए समझे जाए? तो एक तो जैसे कि आपने कहा, यूएस इन्फ्लेशन, महंगाई नीचे आ नहीं रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं है, तो इसलिए हमें लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो अभी यूएस इंटरेस्ट रेट लेवल है, ये बढ़े ना लेकिन नीचे तो आने नहीं वाला। एक हार्ड लैंडिंग की बात की थी यूएस फेड ने, तो वहां ये सिचुएशन रहेगा। मैं दूसरा कहूंगी कि यूरोप की सिचुएशन भी कोई खास अच्छी नहीं है एट दिस पॉइंट। आई थिंक इंडिया एक थोड़ा सा ओएसिस है मार्केट में, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से बच नहीं सकता। हमारे यहाँ भी एक इलेक्शन ईयर है, एक इवेंट है, तो साल मुझे लगता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, शायद पहले हाफ ऑफ द ईयर से थोड़ा वॉलेटाइल ही ज्यादा रहेगा। भारतीय बाजारों का आउटलुक, हम एक अच्छी चीज़ है कि गिरने से इनकार कर रहे हैं लेकिन हम बढ़ भी नहीं रहे, थोड़ा सा टाइम पास वाला माहौल चल रहा है, ये बताएं कैसे देख रही हैं आप बाजारों को? एक्चुअली ये अच्छी सी चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ एक थोड़ा सा करेक्शन आया, टाइम करेक्शन आया कोविड की रैली के बाद, उसके बाद एक बहुत शार्प रैली आई है, खासकर कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। सितंबर में अनिल जी हमने देखा है कि कुछ मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स, खासकर पीएसयू, 50-60% ऊपर है।
बहुत रिटेल निवेशक भी इन सेगमेंट्स में आ रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा एक स्टेबलाइजेशन, जिसे हम कंसोलिडेशन का पीरियड कहते हैं, अगर बाजार में आया तो वो बुरी चीज नहीं है। इट विल गिव टाइम के स्टॉक्स फंडामेंटल्स पे सेटल डाउन कर जाएं, और निवेशकों की भी जो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनकी मैं चिंता करती रहती हूँ, खासकर मिड और स्मॉल कैप को लेके, अगर उनकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस टेम्पर हो जाएं, तो ये एक्चुअली मुझे लगता है हमारे बाजार के लिए अच्छा है। आज की तारीख में मुझे लगता है हमारा बाजार फेयरली वैल्यूड है, लेकिन अर्निंग्स अच्छी हैं तो इसे होल्ड अप कर रही हैं, तो ये फेयरली वैल्यूड रहे तो ये बहुत बुरी बात नहीं है। बहुत महंगे लग रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, और अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बजाय वहां पर क्या लार्ज कैप फंड्स में पैसा लगाना चाहिए, मल्टी कैप फंड्स में? हमें लगता है कि पूरा लार्ज कैप में स्विच करना तो वाइज नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो वो एक मल्टी सेक्टर अपॉर्चुनिटी है, और जहां तक लार्ज कैप यूनिवर्स है, दैट इज लार्जली बैंक्स, आईटी एंड एनर्जी, और ऑल्सो ये ज्यादातर ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर्स हैं, इनकी विदेश के साथ ज्यादा लिंक है। अगर आपको कंजम्पशन स्टोरीज चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टोरीज चाहिए, कैपिटल गुड्स की स्टोरी चाहिए, चाइना प्लस वन की चाहिए, डायग्नोस्टिक्स की, तो इनके तो लीडर्स आज मिड और स्मॉल कैप में प्रेजेंट है। हमारे हिसाब से सोल्यूशन ये है कि आप मिड और स्मॉल से बाहर नहीं रह सकते, लेकिन मल्टी कैप जैसा एक कंजर्वेटिव प्रोडक्ट है, हम खुद प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जहां चाहे 40% लार्ज कैप का हो और 60% मिड और स्मॉल कैप का हो, ऐसा मिश्रण आप देख सकते हैं, जिससे कि आप इस सेगमेंट से बाहर ना रहें, पूरी इकोनॉमी की रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन एक थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म भी आ जाए पोर्टफोलियो। ठीक बात है, थोड़ा लार्ज कैप सब रख लेना, थोड़ा बैलेंस करेगा पोर्टफोलियो को, रिस्क भी कम करेगा। इनफैक्ट आजकल तो राधिका जी ऐसा लगता है कि लार्ज कैप रखना रिस्क है, क्योंकि एफ आई बेचने आते तो पहले वहाँ बेचते हैं। आप लोग तो संभाल रहे हैं मार्केट को, जब भी मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली आती तो कम से कम हमारे लोकल फंड्स हैं जो खरीदारी कर लेते, तो वहाँ पर इन्वेस्टर बचे हुए हैं, से आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ जो इन्वेस्टर्स की बात निकली है, फिर से नए डीमेट अकाउंट लगातार चौथा महीना 30 लाख नए नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, फ्लोज आपके स्ट्रॉन्ग है SIPs में भी, कैसे देख रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर्स के? आपको लगता है कि अभी भी बने रहेंगे, टिके रहेंगे? आप तो एमफी की वाइस चेयरपर्सन भी हैं, तो आपको काफ़ी कुछ अंदाजा इन डेटा के लिहाज से भी मिलता है, जरा वो समझाएं। ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है अनिल जी, मैं काफी सालों से कह रही हूँ कि ये 1-2 महीने का ट्रेंड नहीं है जो हम देख रहे हैं कि डीमैट अकाउंट्स आ रहे हैं, SIP बुक पड़ रही है। आई थिंक एक यंग निवेशक जो है हिंदुस्तान का, वो एस्पिरेशनल निवेशक है, वो जानता है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए मुझे इक्विटी में पैसा डालना जरूरी है, क्योंकि वैसे ही मैं वेल्थ क्रिएशन करूंगा। जो भारत की हम इतनी कामयाबी की स्टोरियां सुनते हैं, चाहे वो हमारे स्टार्टअप सेगमेंट में हो, चाहे एशियन गेम्स में हो, उसमें उससे मैं कैसे बेनिफिट करूं, और उसका आंसर तो इक्विटीज है। तो चाहे आप डायरेक्ट इक्विटीज के जरिए पार्टिसिपेट करें या SIPs के जरिए पार्टिसिपेट करें, मुझे लगता है ये ट्रेंड एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। इनफैक्ट मैं मजाक करती हूँ कि अब तो SIP इतनी पॉपुलर चीज हो गई है कि उसकी मीम बनने लगी है, और मुझे लोग एयरपोर्ट पे कहते हैं, अच्छा आपका तो कोई SIP से कनेक्शन है। तो मुझे लगता है ये तो कंटिन्यू रहेगा, और ये हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले करेक्शन में अगर आप देखें, जितना पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्केट से निकाला, अगर हम लोग ना होते डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, तो मार्केट मेरे हिसाब से 30-40% गिरता। वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इसे बना के रखा है, और वो पोर्शन बढ़ेगा। ठीक बात है, तो कम से कम लोकल इन्वेस्टर्स की मजबूती काम आ रही है। मैं आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि आज देखिए पूरा इसराइल और ये हमास के इतने टेंशन के बीच में अमेरिका नीचे ही बंद नहीं हुआ, ऊपर जाकर बंद हो गए डाओ वगैरह सारे, क्योंकि उनको अपनी ताकत है, अपने पैसे हैं। पहली बार इंडिया में भी हमारी ताकत, हमारे पैसे नजर आए कि हम ग्लोबल के साथ गढ़ते नहीं हैं। लेकिन एक और बड़ा ट्रिगर जो मार्केट के लिए, जो आप भी देख रही होंगी, आई एम श्योर कि नतीजों के सीजन की शुरुआत हो रही है, कल से TCS से शुरुआत होगी, ये रिजल्ट सीजन कैसे देख रहे हैं आप, और कहां आपको लगता है कि अच्छे या कमजोर नतीजे रह सकते हैं? देखिए, एक्चुअली नतीजों का सीजन, जिसे हम अर्निंग्स कहते हैं, वो परहैप्स भारत के लिए सबसे बड़ा ब्राइट स्पॉट है। पिछले डेकेड में अगर आप देखें, वी सॉ एन अर्निंग्स लो, अब हम उस अर्निंग्स लो से उबर रहे हैं, एंड अक्रॉस द सेक्टर्स, अगर आप फाइनेंशियल्स देखें, अगर आप कैपिटल गुड्स देखें, अगर आप बड़ी बड़ी भी कैपिटल गुड्स कंपनी देखें, अगर आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी देखें, तो मेनी ऑफ दीज कंपनीज ये 20-25% ग्रोथ रिपोर्ट कर रही हैं। एक टाइम होता था जब हमारे मार्केट में सिर्फ एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ स्टॉक्स, जो कि कंजम्पशन स्टॉक्स है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब तो एक अर्निंग स्टोरी ब्रॉडर मार्केट की आपके सामने आ रही है,
एक कंसर्न जो रह सकता है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े तो शायद अगले अर्निंग सीजन में आपको कुछ कंपनीज में इनपुट प्राइस का इंपैक्ट दिख रहा है, अदरवाइज मैं एक बड़ा रोबस्ट अर्निंग सीजन देख रहे हैं। ये अच्छी बात है। अब बताएं मैम, साल भर या 3 साल के लिए आपका भारतीय बाजारों पर क्या व्यू है, क्योंकि सामने चुनावों के भी अब सीजन शुरू हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन के बाद यूनियन इलेक्शन भी होंगे। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इलेक्शन के पहले थोड़ा मामला ठंडा हो सकता है, प्रॉफिट बुक किया जाए। जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में बने हुए हैं वो क्या करें, जो लोग नया पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या राय है? आई थिंक जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं उनको अपना टाइम होराइजन कम से कम, आपने 3 साल कहा, मैं तो 3 से 5 साल कहूंगी, क्योंकि एक्विटी में इस वैल्यूएशन से आई थिंक 3 से 5 साल का कम निवेश नहीं करना चाहिए। जहां तक इलेक्शन की बात है, देखिए इलेक्शन का आउटकम तो कोई कुछ नहीं कह सकता, और इलेक्शन के अराउंड भी वॉलिटिलिटी होती है इलेक्शन से पहले, लेकिन एक फैक्ट ये है कि पिछले 40 साल से भारतीय इकोनॉमी हर 5 6 साल, ऑलमोस्ट 6 साल डबल करती आई है। सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, लेकिन एक इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी बहुत रेजिलियंट रही है। हमारा जो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है, यंग पॉपुलेशन का, हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है भारत, और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर का एनिमल इंस्टिंक्ट है, भारत की कहानी मेरे को लगता है इसमें बनी हुई है। तो वॉलिटिलिटी आएगी, उसको निवेशक पैनिक ना करें, अपॉर्चुनिटी है तो यूज करें, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो बने रहें, और नए इन्वेस्टर हैं तो कम से कम 3 से 5 साल का होराइजन लेके चले, और उतनी रिस्क लें जितनी समझ आती है, क्योंकि सब मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहे हैं। आपको प्योर मिड एंड स्मॉल कैप करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टी कैप कर लीजिए या बैलेंस्ड फंड कर लीजिए, वो करिए जो आपके लिए सेंस बनाता है, ये बहुत जरूरी है। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय भारतीय बाजारों में इन्वेस्टर्स के लिए। अब आखिरी सवाल राधिका जी, ये कि निवेश के लिहाज से इस वक्त कौन से स्पेस, थीम, सेक्टर्स आपको पसंद है? देखिए हालांकि मैं स्पेसिफिक थीम्स की कभी एडवोकेट नहीं रही हूँ, मैं ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी की एडवोकेट रही हूँ, लेकिन हमें लगता है जो मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ द इकोनॉमी है, हिस्टोरिकली इंडिया एक बहुत सर्विसेज ओरिएंटेड इकोनॉमी रहा है, लेकिन अभी लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारी लीडरशिप बन सकती है, चाहे वो लोकल कंजम्पशन के लिए हो या एक्सपोर्ट के लिए। हम ऑलरेडी देख रहे हैं अनिल जी के $40 बिलियन के हम लोग मोबाइल फोन बनाते हैं इंडिया में, अब एक मेड इन इंडिया iPhone 15 है, और ये जो PLI स्कीम आई है इसने बहुत क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत फायदा किया है। तो चाहे आपकी कैपिटल गुड्स हो, चाहे आपकी इंडस्ट्रियल्स हो, ये जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम इस पे बुलिश हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ये है वो सबसे बड़ी स्पेस जहाँ पर भारत की स्टोरी है, यहीं पर राधिका जी बेहद बुलिश भी हैं। राधिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने बाजार के, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे हमारे हिंदुस्तान के बाजार हो, आपने पूरा का पूरा डायरेक्शन हमें दिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। राधिका गुप्ता जी बताती हुई आपको एडलवाइज म्यूचुअल फंड के MD CEO और वाइस चेयरपर्सन एमफी की अपनी राय बाजार के बारे में और निवेशकों को आगे का डायरेक्शन। बढ़ते आगे और